दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं सूरजपुर के देवीपुर मंदिर में। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहां मैंने आधा कवर किया था और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहां दर्शन करने के लिए। आप भी एक बार विज़िट करिए, पक्का यकीन करेंगे आप भी कि ऐतिहासिक और चमत्कार दोनों चीज़ यहां होती है। तो हम लोग पहुँचे हैं वहाँ और इनका भी बहुत पुरानी कहानी है, राजाओं महाराजाओं के जमाने की। जो मंदिर को मूर्ति को यहाँ से ले जाया जा रहा था लेकिन क्यों नहीं ले जा पाया, तो सारी कहानी आप वीडियो के बीच में देखेंगे और उम्मीद है आप इंटरटेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग अभी आए हैं देवीपुर, जो सूरजपुर जिले में है, मंदिर है महामाया जी का और साथ में है समलाया माता। तो इनकी जो कहानी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में। हमारे साथ में सज्जन खड़े हैं राम स्वरूप जी, विश्वास और अटूट प्रेम है। और माता जी का यहाँ जो मंदिर बना पहले भी कुछ झोपड़ी रूप में बना था। माता जी का जो मंदिर है वो पहले झोपड़ी रूप झालानुमा खर का, जो खर में जो यज्ञ वगैरह करते हैं ना वो खर का बना हुआ था। खर जो एक घास होती है जो फिर बाद मट्टी का बना, अब मट्टी के बाद फिर मतलब दीवार का बना, लेकिन मूर्ति जो माता का स्थान एक ही स्थान शुरू से अभी तक रहा। माता जी यहाँ मतलब क्या कहेंगे, जागृत हुई है, स्वयंभू है या स्थापित किया गया, उसके बारे में क्या कहानी आप बताएंगे? जैसा कि हमने सुना है कि ये जो पंपापुर में समलाया जी का जो मंदिर है वहाँ से ये मूर्ति को कोई राजा द्वारा ले जाया जा रहा था, शायद अंबिकापुर या जो भी पुराना नाम प्रचलित नाम उस समय रहा होगा, वो लेकर के आ रहे थे। और कहा गया है कि जैसे सूर्योदय से पहले जहाँ तक वो लेकर के जा सकते हैं माता रानी वहीं तक जाएंगी और उससे आगे नहीं। तो सूर्योदय शायद यहाँ हुआ देवीपुर में और यहाँ आके माता रानी यहीं विस्थापित। उल्लेख ऐसे किया जाता है, पूर्वज बताते हैं। तो मुझे ये बताइए, जैसे ये देवीपुर का नाम आपने बताया, ये कैसे पड़ा पहले? ये देवीपुर का नाम पहले पहाड़ बुल्ला था। पहाड़ बुल्ला, जी हाँ जी बिल्कुल। और क्या है, जब माँ देवी के यहाँ स्थापना हो गई तो उसके बाद ये नाम इसका हो गया देवीपुर। और सूरजपुर का नाम पहले डांड बुल्ला था, क्योंकि डांड डांड था बिल्कुल जैसे मैदान। जी हाँ, तो उसके बाद उसका नाम सूरजपुर रखा गया सूरजपुर। जैसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो हमारे पुजारी जी आप देख रहे हैं बैगा है, वो इनके पूर्वजों द्वारा भी यहाँ पूजा की जाती रही। और चौदह पंद्रहवीं पीढ़ी की पूजा करें, ये जो है ये पंद्रहवीं पीढ़ी है, मतलब आप समझ सकते हैं अगर एक आम इंसान की उम्र 70-80 साल पहले भी हुआ करेगी आज भी, तो उस हिसाब से कितनी पुरानी मंदिर है। और जो अभी वर्तमान में जो पुजारी हैं वो आप यहाँ आप देख सकते हैं। जी हाँ, छह पुजारी, ये छह पुजारी अभी भी यहाँ पे पूजा करते हैं। जी, मेरे जो भी ऑडियंस है, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि एक बार जरूर आइए सूरजपुर देवीपुर। ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत मनोकामना यहाँ लोगों की पूरी होती है और बहुत सारे लोग यहाँ मनोकामना मांग करके अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण कर रहे हैं। मेरे साथ में जो सज्जन खड़े हैं राम स्वरूप गुप्ता जी, इनसे हमें पूरी जानकारी मिली है और बहुत सालों से, जब इनकी उम्र 10 वर्ष थी तब से ये यहाँ पर माता जी के सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ एक शिव जी का भी मंदिर है और बजरंग बली जी का भी मंदिर है, अगर आप यहाँ आए तो वहाँ भी दर्शन करके जाइएगा। और यहाँ एक घंटी है जिसकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे ना, कि वो करीब 8-10 सेकेंड तक उसकी गूंज यहाँ आपको सुनाई देगी जब आप उसे बजाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।